जनमेजय को शर्मा का शाप, जनमेजय द्वारा सोमश्रवा का पुरोहित के पद पर वरण, आरुणी, उपमन्यु, वेद और उत्तंक की गुरु भक्ति तथा उत्तंक का सर्प यज्ञ के लिए जनमेजय को प्रोत्साहन देना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, परीक्षित के पुत्र जनमेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। उनके तीन भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। वे तीनों उस यज्ञ में बैठे थे। इतने में ही देवताओं की कुतिया शर्मा का पुत्र सारमेय वहां आया। जनमेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा। तब वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। बार बार रोते हुए अपने उस पुत्र से माता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है, किसने तुझे मारा है? माता के इस प्रकार पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ मुझे जनमेजय के भाइयों ने मारा है। तब माता उससे बोली, बेटा अवश्य ही तूने उनका कोई प्रकट रूप में अपराध किया होगा जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है। तब उसने माता से पुनः इस प्रकार कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, न तो उनके हविष्य की ओर देखा और न उसे चाटा ही है। यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता शर्मा उस सत्र में आई जहां जनमेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। वहां क्रोध में भरी हुई शर्मा ने जनमेजय से कहा, मेरे इस पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, न तो इसने हविष्य की ओर देखा और न उसे चाटा ही था, तब तुमने इसे क्यों मारा? किंतु जनमेजय और उनके भाइयों ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब शर्मा ने उनसे कहा, मेरा पुत्र निरपराध था तो भी तुमने इसे मारा है, अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना न रही हो। देवताओं की कुतिया शर्मा के इस प्रकार शाप देने पर जनमेजय को बड़ी घबराहट हुई और वे बहुत दुखी हो गए। उस सत्र के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर में आए और अपने योग्य पुरोहित की खोज करते हुए इसके लिए बड़ा यत्न करने लगे। पुरोहित के ढूंढने का उद्देश्य यह था कि वह मेरी इस शाप रूप पाप कृत्या को शांत कर दे। एक दिन परीक्षित पुत्र जनमेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्य के किसी प्रदेश में विद्यमान था। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे। उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा। सोमश्रवा सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। परीक्षित कुमार जनमेजय ने महर्षि श्रुतश्रवा के पास जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित पद के लिए वरण किया। राजा ने पहले महर्षि को नमस्कार करके कहा, भगवान आपके ये पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हों। उनके ऐसा कहने पर श्रुतश्रवा ने जनमेजय को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज जनमेजय मेरा यह पुत्र सोमश्रवा सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुआ है। यह बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। एक समय एक सर्पिणी ने मेरा वीर्य पान कर लिया था, अतः उसी के पेट से इसका जन्म हुआ है। यह तुम्हारी संपूर्ण पाप कृत्याओं का निवारण करने में समर्थ है। केवल भगवान शंकर की कृत्या को यह नहीं टाल सकता, किंतु इसका एक गुप्त नियम है। यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी वस्तु की याचना करेगा तो यह उसे उसकी अभीष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारता पूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो इसे ले जाओ। श्रुतश्रवा के ऐसा कहने पर जनमेजय ने उत्तर दिया, भगवान सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा। फिर वे सोमश्रवा पुरोहित को साथ लेकर लौटे और अपने भाइयों से बोले, इन्हें मैंने अपना उपाध्याय बनाया है। ये जो कुछ भी कहें उसे तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए। जनमेजय के ऐसा कहने पर उनके तीनों भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने लगे। इधर राजा जनमेजय अपने भाइयों को ऐसा आदेश देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया। इन्हीं दिनों आयोध धौम्य नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके तीन शिष्य हुए, उपमन्यु, आरुणी पांचाल तथा वेद। एक दिन उपाध्याय ने अपने एक शिष्य
पांचाल देशवासी आरुणी को खेत पर भेजा और कहा, वत्स जाओ क्यारियों की टूटी हुई मेड़ बांध दो। उपाध्याय के इस प्रकार आदेश देने पर पांचाल देशवासी आरुणी वहां जाकर उस धान की क्यारी की मेड़ बांधने लगा, परंतु बांध न सका। मेड़ बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझ गया और वह मन ही मन बोल उठा, अच्छा ऐसा ही करूं। वह क्यारी की टूटी हुई मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गया। उसके लेट जाने पर वहां का बहता हुआ जल रुक गया। फिर कुछ काल के पश्चात उपाध्याय आयोध धौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा, पांचाल निवासी आरुणी कहां चला गया? शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान आप ही ने तो उसे यह कहकर भेजा था कि जाओ क्यारी की टूटी हुई मेड़ बांध दो। शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उनसे कहा, तो चलो हम सब लोग वहीं चले जहां आरुणी गया है। वहां जाकर उपाध्याय ने उसे आने के लिए आवाज दी, पांचाल निवासी आरुणी कहां हो वत्स, यहां आओ। उपाध्याय का यह वचन सुनकर आरुणी पांचाल सहसा उस क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया। फिर उनसे विनय पूर्वक बोला, भगवान मैं यहां हूं, क्यारी की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहां लेट गया था। इस समय आपकी आवाज सुनते ही सहसा उस मेड़ को विदीर्ण करके आपके पास आ खड़ा हुआ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप आज्ञा दीजिए मैं कौन सा कार्य करूं। आरुणी के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी के मेड़ को विदीर्ण करके उठे हो, अतः इस उद्यालन कर्म के कारण उद्यालक नाम से ही प्रसिद्ध होगी। ऐसा कहकर उपाध्याय ने आरुणी को अनुग्रहित किया, साथ ही यह भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्म शास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर आरुणी कृतकृत्य हो अपने अभीष्ट देश को चला गया। उन्हीं आयोध धौम्य उपाध्याय का उपमन्यु नामक दूसरा शिष्य था। उसे उपाध्याय ने आदेश दिया, वत्स उपमन्यु तुम गौओं की रक्षा करो। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गौओं की रक्षा करने लगा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरुजी के घर पर आता और उनके सामने खड़ा हो नमस्कार करता। उपाध्याय ने देखा उपमन्यु खूब मोटा ताजा हो रहा है, तब उन्होंने पूछा, बेटा उपमन्यु तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हृष्ट पुष्ट हो रहे हो? उसने उपाध्याय से कहा, गुरुदेव मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब वह भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु तथास्तु कहकर पुनः पूर्ववत गौओं की रक्षा करता रहा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहता और पुनः गुरु के घर पर आकर गुरु के सामने खड़ा हो नमस्कार करता था। उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्ववत हृष्ट पुष्ट ही देखकर उपाध्याय ने पूछा, बेटा उपमन्यु तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम इस समय कैसे जीवन निर्वाह करते हो? उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उन्हें उत्तर दिया, भगवान पहले ही लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित करके अपने लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, यह न्याय युक्त एवं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षा जीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, अतः लोभी हो। उसने तथास्तु कहकर गुरु की आज्ञा मान ली और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। एक दिन गायें चराकर वह फिर उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया। उपाध्याय ने उसे फिर भी मोटा ताजा ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ और अब तुम दोबारा भिक्षा नहीं मांगते, फिर भी बहुत मोटे हो, आजकल कैसे खाना पीना चलाते हो? इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान
मैं इन गौओं के दूध से जीवन निर्वाह करता हूँ। उपाध्याय ने उससे कहा, मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, अतः इन गौओं के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध न पीने की भी प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गोपालन करता रहा। एक दिन गोचारण के पश्चात वह पुनः उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया। उपाध्याय ने अब भी उसे हृष्टपुष्ट ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गऊओं का दूध भी नहीं पीते, फिर भी बहुत मोटे हो, इस समय कैसे निर्वाह करते हो? इस प्रकार पूछने पर उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, ये बछड़े अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, उसी को पी लेता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, अतः तुम पर दया करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे, इसलिए तुम फेन पीकर तो इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, अतः आज से फेन भी न पिया करो। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु न तो भिक्षा का अन्न खाता, न दोबारा भिक्षा लाता, न गौओं का दूध पीता और न बछड़ों के फेन को ही उपयोग में लाता था। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आक के पत्ते चबा लिए। आक के पत्ते खारे, तीखे, कड़वे और रूखे होते हैं, उनका परिणाम तीक्ष्ण होता है, अतः उनको खाने से उपमन्यु की आंखों की ज्योति नष्ट हो गई, वह अंधा हो गया। अंधा होने पर भी वह इधर उधर घूमता रहा, अतः कुएं में गिर पड़ा। तदनंतर जब सूर्यदेव अस्ताचल की चोटी पर पहुंच गए, तब भी उपमन्यु गुरु के घर पर नहीं आया, तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? वे बोले, वह तो गाय चराने के लिए वन में गया था। तब उपाध्याय ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, अतः निश्चय ही वह रूठ गया है, इसीलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया, अतः हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय ने उसे बुलाने के लिए आवाज दी, ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा, चले आओ। उसने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर से उत्तर दिया, गुरुजी, मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। तब उपाध्याय ने उससे पूछा, वत्स, तुम कुएं में कैसे गिर गए? उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसीलिए कुएं में गिर गया। तब उपाध्याय ने कहा, वत्स, दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तुम उन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्विनी कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे, आप ही पूर्वज हैं, आप ही चित्र भानु हैं। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत हैं, दिव्य स्वरूप हैं, सुंदर पंख वाले दो पक्षी की भांति सदा साथ रहने वाले हैं, रजोगुण शून्य तथा अभिमान से रहित हैं, संपूर्ण विश्व में आरोग्य का विस्तार करते हैं। सुनहरे पंख वाले दो सुंदर विहंगमों की भांति आप दोनों बंधु बड़े सुंदर हैं, पारलौकिक उन्नति के साधनों से संपन्न हैं। नासत्य तथा दस्त्र, ये दोनों आपके नाम हैं। आपकी नासिका बड़ी सुंदर है, आप दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं। आप ही विवस्वान के सुपुत्र हैं, अतः स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हो दिन तथा रात्रि रूप काले तंतुओं से संवत्सर रूप वस्त्र बुनते रहते हैं, और उस वस्त्र द्वारा वेग पूर्वक देवयान और पितृयान नामक सुंदर मार्गों को प्राप्त कराते हैं। परमात्मा की काल शक्ति ने जीव रूपी पक्षी को अपना ग्रास बना रखा है। आप दोनों अश्विनी कुमार नामक जीवन मुक्त महापुरुषों ने ज्ञान देकर कैवल्य रूप महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उस जीव को काल के बंधन से मुक्त किया है। माया के सहवासी अत्यंत अज्ञानी जीव जब तक राग आदि विषयों से आक्रांत हो अपनी इंद्रियों के समक्ष नतमस्तक रहते हैं, तब तक वे अपने आप को शरीर से आबद्ध ही मानते हैं।
दिन एवं रात ये मनोवांछित फल देने वाली 360 दुधारू गौएं हैं। वे सब एक ही संवत्सर रूपी बछड़े को जन्म देती और उसको पुष्ट करती हैं। वह बछड़ा सबका उत्पादक और संहारक है। जिज्ञासु पुरुष उस बछड़े को निमित्त बनाकर उन गौओं से विभिन्न फल देने वाली शास्त्रविद क्रियाएं दोहते रहते हैं। उन सब क्रियाओं का एक ही दोहनीय फल है। ऐसी गौओं को आप दोनों अश्विनी कुमार ही दोहते हैं। हे अश्विनी कुमारों, इस काल चक्र की एकमात्र संवत्सर ही नाभि है, जिस पर रात और दिन मिलकर 720 अरे टिके हुए हैं। वे सब 12 मास रूपी प्रधियों में जुड़े हुए हैं। अश्विनी कुमारों, यह अविनाशी एवं मायामय काल चक्र बिना नेमी के ही अनियत गति से घूमता तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों की प्रजाओं का विनाश करता रहता है। अश्विनी कुमारों, मेष आदि 12 राशियां जिसके 12 अरे, 6 ऋतुएं जिसकी 6 नाभियां हैं और संवत्सर जिसकी एक धुरी है, वह एकमात्र काल चक्र सब ओर चल रहा है। यही कर्म फल को धारण करने वाला आधार है। इसी में संपूर्ण कालाभिमानी देवता स्थित हैं। आप दोनों मुझे इस काल चक्र से मुक्त करें, क्योंकि मैं यहाँ जन्म आदि के दुख से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों में सदाचार का बाहुल्य है। आप अपने सुयश से चंद्रमा, अमृत तथा जल की उज्ज्वलता को भी तिरस्कृत कर देते हैं। इस समय मेरु पर्वत को छोड़कर आप पृथ्वी पर सानंद विचर रहे हैं। आनंद और बल की वर्षा करने के लिए ही आप दोनों भाई दिन में प्रस्थान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ही सृष्टि के प्रारंभ काल में पूर्वादि 10 दिशाओं को प्रकट करते, उनका ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं के मस्तक अर्थात अंतरिक्ष लोक में रथ से यात्रा करने वाले तथा सबको समान रूप से प्रकाश देने वाले सूर्य देव का और आकाश आदि 5 भूतों का भी आप ही ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं में सूर्य का जाना देखकर ऋषि लोग भी उनका अनुसरण करते हैं तथा देवता और मनुष्य स्वर्ग या मर्त्यलोक की भूमि का उपयोग करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप अनेक रंग की वस्तुओं के सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियां तैयार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती हैं। वे प्रकाशमान औषधियां सदा आपका अनुसरण करती हुई आपके साथ ही विचरती हैं। देवता और मनुष्य आदि प्राणी अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग और मर्त्यलोक की भूमि में रहकर उन औषधियों का सेवन करते हैं। अश्विनी कुमारों, आप ही दोनों नासत्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपकी तथा आपने जो कमल की माला धारण कर रखी है उसकी पूजा करता हूँ। आप अमर होने के साथ ही सत्य का पोषण और विस्तार करने वाले हैं। आपके सहयोग के बिना देवता भी उस सनातन सत्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं है। युवक माता पिता संतानोत्पत्ति के लिए पहले मुख से अन्न रूप गर्भ धारण करते हैं, तत्पश्चात पुरुषों में वीर रूप में और स्त्री में रजो रूप से परिणत होकर वह अन्न जड़ शरीर बन जाता है। तत्पश्चात जन्म लेने वाला गर्भस्थ जीव उत्पन्न होते ही माता के स्तनों का दूध पीने लगता है। हे अश्विनी कुमारों, इस रूप से संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को आप तत्व ज्ञान देकर मुक्त करते हैं। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरी नेत्रेंद्रिय को भी रोग से मुक्त करें। अश्विनी कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्रहीन हो गया हूँ, रास्ता पहचानने में भी भूल हो जाती है, इसीलिए इस दुर्गम कूप में गिर पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार उपमन्यु के स्तवन करने पर दोनों अश्विनी कुमार वहाँ आए और उससे बोले, उपमन्यु, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। यह तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु बोला, भगवान, आपने ठीक कहा है, तथापि मैं गुरुजी को निवेदन किए बिना इस पुए को अपने उपयोग में नहीं ला सकता। तब दोनों अश्विनी कुमार बोले, वत्स, पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी इसी प्रकार स्तुति की थी। उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरुजी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया है वैसा ही तुम भी करो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए तो आप दोनों अश्विनी कुमारों की मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूँ।
गुरुजी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं। तुम्हारे दांत सुवर्णमय हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी भी होगे। अश्विनी कुमारों के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गईं और उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया तथा सब बातें गुरुजी से कह सुनाई। उपाध्याय उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और उससे बोले, जैसा अश्विनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी होगे। तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्म शास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। इस प्रकार यह उपमन्यु की परीक्षा बताई गई। उन्हीं आयोध धौम्य के तीसरे शिष्य थे वेद। उन्हें उपाध्याय ने आज्ञा दी, वत्स वेद, तुम कुछ काल तक यहां मेरे घर में निवास करो, सदा शुश्रूषा में लगे रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वेद बहुत अच्छा कहकर गुरु के घर में रहने लगे। उन्होंने दीर्घ काल तक गुरु की सेवा की। गुरुजी उन्हें बैल की तरह सदा भारी बोझ ढोने में लगाए रखते थे और वेद सर्दी गर्मी तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करते हुए सभी अवस्थाओं में गुरु के अनुकूल ही रहते थे। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब गुरुजी उन पर पूर्णतः संतुष्ट हुए। गुरु के संतोष से वेद ने श्रेय तथा सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। इस प्रकार यह वेद की परीक्षा का वृत्तांत कहा गया। तदनंतर उपाध्याय की आज्ञा होने पर वेद समावर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक होकर गुरु गृह से लौटे। घर आकर उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। अपने घर में निवास करते समय आचार्य वेद के पास तीन शिष्य रहते थे, किंतु वे काम करो अथवा गुरु सेवा में लगे रहो इत्यादि रूप से किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्यों को नहीं देते थे, क्योंकि गुरु के घर में रहने पर छात्रों को जो कष्ट सहन करना पड़ता है उससे वे परिचित थे। इसीलिए उनके मन में अपने शिष्यों को क्लेशदायक कार्य में लगाने की कभी इच्छा नहीं होती थी। एक समय की बात है, ब्रह्मवेत्ता आचार्य वेद के पास आकर जनमेजय और पौष्य नाम वाले दो क्षत्रियों ने उनका वरण किया और उन्हें अपना उपाध्याय बना लिया। तदनंतर एक दिन उपाध्याय वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उद्यत हो उत्तंक नाम वाले शिष्य को अग्निहोत्र आदि के कार्य में नियुक्त किया और कहा, वत्स उत्तंक, मेरे घर में मेरे बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाए उसकी पूर्ति तुम कर देना, ऐसी मेरी इच्छा है। उत्तंक को ऐसा आदेश देकर आचार्य वेद बाहर चले गए। उत्तंक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सेवा परायण हो गुरु के घर में रहने लगे। वहां रहते समय उन्हें उपाध्याय के आश्रम में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया और कहा, तुम्हारी गुरुपत्नी रजस्वला हुई है और उपाध्याय परदेश गए हैं, उनका यह ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल न हो वैसा करो, इसके लिए गुरुपत्नी बड़ी चिंता में पड़ी है। यह सुनकर उत्तंक ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से यह न करने योग्य निंद्य कर्म नहीं कर सकता। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है कि तुम न करने योग्य कार्य भी कर डालना। इसके बाद कुछ काल बीतने पर उपाध्याय वेद परदेश से अपने घर लौट आए। आने पर उन्हें उत्तंक का सारा वृत्तांत मालूम हुआ। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा उत्तंक, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुमने धर्म पूर्वक मेरी सेवा की है, इससे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रीति बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूं, जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु के ऐसा कहने पर उत्तंक बोले, भगवान, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वृद्ध पुरुष कहते भी हैं, जो अधर्म पूर्वक अध्यापन या उपदेश करता है अथवा जो अधर्म पूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता है, उन दोनों में से एक मृत्यु एवं विद्वेष को प्राप्त होता है। अतः आपकी आज्ञा मिलने पर मैं अभीष्ट गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूं। उत्तंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले, बेटा उत्तंक, तुम कुछ दिन और यहीं ठहरो। तदनंतर किसी दिन उत्तंक ने फिर उपाध्याय से कहा, भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करूं? यह सुनकर उपाध्याय ने उनसे कहा, वत्स उत्तंक, तुम बार बार मुझसे कहते हो
कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। अतः जाओ, घर के भीतर प्रवेश करके अपनी गुरु पत्नी से पूछ लो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। वे जो बताएं वही वस्तु उन्हें भेंट करो। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उत्तंक ने गुरु पत्नी से पूछा, देवी, उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपको कोई अभीष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करके गुरु के ऋण से पूर्ण होकर जाना चाहता हूँ। अतः आप आज्ञा दें, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु ला दूं? उत्तंक के ऐसा कहने पर गुरु पत्नी उनसे बोली, वत्स, तुम राजा पौष्य के यहाँ उनकी शत्राणी पत्नी ने जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं उन्हें मांग लाने के लिए जाओ और उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन पुण्य व्रत होने वाला है, मैं उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित हो ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। अतः तुम मेरा यह मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण की प्राप्ति कैसे संभव है। गुरु पत्नी के ऐसा कहने पर उत्तंक वहां से चल दिए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर चढ़े हुए एक विशालकाय पुरुष को भी देखा। उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, उत्तंक, तुम इस बैल का गोबर खा लो। किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उत्तंक को वह गोबर खाने की इच्छा नहीं हुई। तब वह पुरुष फिर उनसे बोला, उत्तंक, खा लो, विचार न करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया था। उसके पुनः ऐसा कहने पर उत्तंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर तथा मूत्र को खा पी कर उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया। फिर वे चल दिए। जहाँ वे क्षत्रिय राजा पौष्य रहते थे वहाँ पहुंचकर उत्तंक ने देखा वे आसन पर बैठे हुए हैं। तब उत्तंक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, मैं याचक होकर आपके पास आया हूँ। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं आपका सेवक पौष्य हूँ, कहिए किस आज्ञा का पालन करूं। उत्तंक ने पौष्य से कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त दो कुंडलों के लिए आपके यहाँ आया हूँ। आपकी शत्राणी ने जिन्हें पहन रखा है उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दें, यह आपके योग्य कार्य है। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, ब्राह्मण, आप अंतःपुर में जाकर शत्राणी से वे कुंडल मांग ले। राजा के ऐसा कहने पर उत्तंक ने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें शत्राणी नहीं दिखाई दी। तब वे पुनः राजा पौष्य के पास आकर बोले, राजन, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल करें, यह आपको शोभा नहीं देता है। आपके अंतःपुर में शत्राणी नहीं है, क्योंकि वहां वे मुझे नहीं दिखाई देती हैं। उत्तंक के ऐसा कहने पर पौष्य ने एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर दिया, निश्चय ही आप झूठे मुंह हैं, स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरी शत्राणी पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट है, अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती है। आप उच्छिष्ट होने के कारण अपवित्र हैं, इसलिए वे आपकी दृष्टि में नहीं आ रही हैं। उनके ऐसा कहने पर उत्तंक ने स्मरण करके कहा, हाँ, अवश्य ही मुझ में अशुद्धि रह गई है, यहाँ की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है। तब पौष्य ने उनसे कहा, ब्राह्मण, यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है, खड़े होकर और शीघ्रता पूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है। तत्पश्चात उत्तंक राजा से ठीक है ऐसा कहकर हाथ पैर और मुंह भलीभांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे और हृदय तक पहुंचने योग्य शब्द तथा फेन से रहित शीतल जल के द्वारा तीन बार आचमन करके उन्होंने दो बार अंगूठे के मूल भाग से मुख पोंछा और नेत्र नासिका आदि इंद्रिय गोलकों का जल सहित अंगुलियों द्वारा स्पर्श करके अंतःपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें शत्राणी का दर्शन हुआ। महारानी उत्तंक को देखते ही उठकर खड़ी हो गईं और प्रणाम करके बोली, भगवान, आपका स्वागत है, आज्ञा दीजिए मैं क्या सेवा करूं। उत्तंक ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वे ही मुझे दे दें। महारानी उत्तंक के उस सद्भाव से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यह सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण है, इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए, अपने दोनों कुंडल स्वयं उतार कर उन्हें दे दिए और उनसे कहा, ब्राह्मण, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए
बहुत प्रयत्नशील है, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उन शत्राणी से कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। महारानी से ऐसा कहकर उनसे आज्ञा ले उत्तंक राजा पौष्य के निकट आए और बोले, महाराज पौष्य मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, भगवान बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिलता है, आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ, आप इसमें समय दीजिए। तब उत्तंक ने राजा से कहा, मेरा समय तो दिया ही हुआ है, किंतु शीघ्रता चाहता हूँ, आपके यहाँ जो शुद्ध एवं सुसंस्कृत भोजन तैयार हो उसे मंगाइए। राजा ने बहुत अच्छा कहकर जो भोजन सामग्री प्रस्तुत थी उसके द्वारा उन्हें भोजन कराया। परंतु जब भोजन सामने आया तब उत्तंक ने देखा उसमें बाल पड़ा है और वह ठंडा हो चुका है, फिर तो यह अपवित्र अन्न है। ऐसा निश्चय करके वे राजा पौष्य से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं, अतः अंधे हो जाएंगे। तब पौष्य ने भी उन्हें शाप के बदले शाप देते हुए कहा, आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं, अतः आप भी संतानहीन हो जाएंगे। तब उत्तंक राजा पौष्य से बोले, महाराज अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में शाप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है, अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब पौष्य ने उस अन्न को अपवित्र देखकर उसकी अपवित्रता के कारण का पता लगाया। वह भोजन खुले केश वाली स्त्री ने तैयार किया था, अतः उसमें केश पड़ गया था, देर का बना होने से वह ठंडा भी हो गया था, इसलिए वह अपवित्र है। इस निश्चय पर पहुंचकर राजा ने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, भगवान यह केश युक्त और शीतल अन्न अनजान में आपके पास लाया गया है, अतः इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा न हूं। तब उत्तंक ने राजा से कहा, राजन मैं झूठ नहीं बोलता, आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में इस दोष से रहित हो जाएंगे। अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे आपका दिया हुआ शाप मुझ पर लागू न हो। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, मैं शाप को लौटाने में असमर्थ हूँ, मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा है। क्या आप यह नहीं जानते कि ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी पिघलने वाला होता है, केवल उसकी वाणी में ही तीखी धार वाले छुरे का सा प्रभाव होता है, किंतु ये दोनों ही बातें क्षत्रिय के लिए विपरीत हैं। उसकी वाणी तो नवनीत के समान कोमल होती है, लेकिन हृदय पैनी धार वाले छुरे के समान तीखा होता है, अतः ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं उस शाप को बदलने में असमर्थ हूँ, इसलिए आप जाइए। तब उत्तंक बोले, राजन आपने अन्न की अपवित्रता देखकर मुझसे क्षमा के लिए अनुनय विनय की है, किंतु पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो, इसलिए संतानहीन हो जाओगे। इसके बाद अन्न का दोष युक्त होना प्रमाणित हो गया, अतः आपका यह शाप मुझ पर लागू नहीं होगा। अब हम अपना कार्य साधन कर रहे हैं। ऐसा कहकर उत्तंक दोनों कुंडलों को लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्होंने अपने पीछे आते हुए एक नग्न क्षपणक को देखा जो बार बार दिखाई देता और छिप जाता था। कुछ दूर जाने के बाद उत्तंक ने उन कुंडलों को एक जलाशय के किनारे भूमि पर रख दिया और स्वयं कृत्य करने लगे। इतने में ही वह क्षपणक बड़ी उतावली के साथ वहां आया और दोनों कुंडलों को लेकर चंपत हो गया। उत्तंक ने स्नान तर्पण आदि जल संबंधी कार्य पूर्ण करके शुद्ध एवं पवित्र होकर देवताओं तथा गुरुओं को नमस्कार किया और जल से बाहर निकलकर बड़े वेग से उस क्षपणक का पीछा किया। वास्तव में वह नागराज तक्षक ही था, दौड़ने से उत्तंक के अत्यंत समीपवर्ती हो गया। उत्तंक ने उसे पकड़ लिया, पकड़ में आते ही उसने क्षपणक का रूप त्याग दिया और तक्षक नाग का रूप धारण करके वह सहसा प्रकट हुए पृथ्वी के एक बहुत बड़े विवर में घुस गया। बिल में प्रवेश करके वह नागलोक में अपने घर चला गया। तदनंतर उस शत्राणी की बात का स्मरण करके उत्तंक ने नागलोक तक उस तक्षक का पीछा किया। पहले तो उन्होंने उस विवर को अपने डंडे की लकड़ी से खोदना आरंभ किया, किंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली। उस समय
इंद्र ने उन्हें क्लेश उठाते देखा तो उनकी सहायता के लिए अपना वज्र भेज दिया। उन्होंने वज्र से कहा, जाओ इस ब्राह्मण की सहायता करो। तब वज्र ने डंडे की लकड़ी में प्रवेश करके उस बिल को विदीर्ण कर दिया। तब उत्तंक उस बिल में घुस गए और उसी मार्ग से भीतर प्रवेश करके उन्होंने नाग लोक का दर्शन किया, जिसकी कहीं सीमा नहीं थी, जो अनेक प्रकार के मंदिरों, महलों, झुके हुए छज्जों वाले ऊंचे ऊंचे मंडपों तथा सैकड़ों दरवाजों से सुशोभित और छोटे बड़े अद्भुत क्रीड़ा स्थानों से व्याप्त था। वहां उन्होंने इन श्लोकों द्वारा उन नागों का स्तवन किया। एरावत जिनके राजा हैं, जो सम्रांगण में विशेष शोभा पाते हैं, बिजली और वायु से प्रेरित हो जल की वर्षा करने वाले बादलों की भांति बाणों की धारावाहिक वृष्टि करते हैं, उन सर्पों की जय हो। एरावत कुल में उत्पन्न नाग गणों में से कितने ही सुंदर रूप वाले हैं, उनके अनेक रूप हैं। वे विचित्र कुंडल धारण करते हैं तथा आकाश में सूर्य देव की भांति स्वर्ग लोक में प्रकाशित होते हैं। गंगा जी के उत्तर तट पर बहुत से नागों के घर हैं। वहां रहने वाले बड़े बड़े सर्पों की भी मैं स्तुति करता हूँ। एरावत नाग के सिवा दूसरा कौन है जो सूर्य देव की प्रचंड किरणों के सैन्य में विचरने की इच्छा कर सकता है। एरावत के भाई धृतराष्ट्र जब सूर्य देव के साथ प्रकाशित होते और चलते हैं, उस समय 28,008 सर्प सूर्य के घोड़ों की बागडोर बनकर जाते हैं, जो इनके साथ जाते हैं और जो दूर के मार्ग पर जा पहुंचे हैं। एरावत के उन सभी छोटे बंधुओं को मैंने नमस्कार किया है, जिनका निवास सदा कुरुक्षेत्र और खांडव वन में रहा है। उन नागराज तक्षक की मैं कुंडलों के लिए स्तुति करता हूँ। तक्षक और अश्वसेन ये दोनों नाग सदा साथ विचरने वाले हैं। ये दोनों कुरुक्षेत्र में इक्षुमती नदी के तट पर रहा करते थे, जो तक्षक के छोटे भाई हैं। श्रुतसेन नाम से जिनकी ख्याति है तथा जो पाताल लोक में नागराज की पदवी पाने के लिए सूर्य देव की उपासना करते हुए कुरुक्षेत्र में रहे हैं, उन महात्मा को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उन श्रेष्ठ नागों की स्तुति करने पर भी जब ब्रह्म ऋषि उत्तंक उन कुंडलों को न पा सके तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। इस प्रकार नागों की स्तुति करते रहने पर भी जब वे उन दोनों कुंडलों को प्राप्त न कर सके, तब उन्हें वहां दो स्त्रियां दिखाई दी, जो सुंदर करघे पर रखकर सूत के ताने में वस्त्र बुन रही थी। उस ताने में उत्तंक मुनि ने काले और सफेद दो प्रकार के सूत और 12 अरों का एक चक्र भी देखा, जिसे 6 कुमार घुमा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ पुरुष भी दिखाई दिए, जिनके साथ एक दर्शनीय अश्व भी था। उत्तंक ने इन मंत्र तुल्य श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति की। यह जो अविनाशी काल चक्र निरंतर चल रहा है, इसके भीतर 360 अरे हैं, 24 पर्व हैं और इस चक्र को 6 कुमार घुमा रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, ऐसी दो युवतियां सदा काले और सफेद तंतुओं को इधर उधर चलाती हुई इस वासना जाल रूप से वस्त्र को बुन रही हैं, तथा वे ही संपूर्ण भूतों और समस्त भुवनों का निरंतर संचालन करती हैं, जो महात्मा वज्र धारण करके तीनों लोकों की रक्षा करते हैं, जिन्होंने वृत्रासुर का वध तथा नमुची दानव का संहार किया है, जो काले रंग के दो वस्त्र पहनते और लोक में सत्य एवं असत्य का विवेचन करते हैं, जल से प्रकट हुए प्राचीन वैश्वानर रूप अश्व को वाहन बनाकर उस पर चढ़ते हैं, तथा जो तीनों लोकों के शासक हैं, उन जगदीश्वर पुरंदर को मेरा नमस्कार है। तब वह पुरुष उत्तंक से बोला, ब्राह्मण मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। यह सुनकर उत्तंक ने कहा, सब नाग मेरे अधीन हो जाएं। उनके ऐसा कहने पर वह पुरुष पुनः उत्तंक से बोला, इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो। यह सुनकर उत्तंक ने घोड़े की गुदा में फूंक मारी। फूंकने से घोड़े के शरीर के समस्त छिद्रों से धुएं सहित आग की लपटें निकलने लगी। उस समय सारा नाग लोक धुएं से भर गया। फिर तो तक्षक घबरा गया और आग की ज्वाला के भय से दुखी हो दोनों कुंडल लिए सहसा घर से निकल आया और उत्तंक से बोला, ब्राह्मण आप ये दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए। उत्तंक ने उन कुंडलों को ले लिया। कुंडल लेकर वे सोचने लगे, अहो आज ही गुरु पत्नी का वह पुण्य व्रत है और मैं बहुत दूर चला आया हूँ, ऐसी दशा में किस प्रकार इन कुंडलों द्वारा उनका सत्कार कर सकूं।
तब इस प्रकार चिंता में पड़े हुए उत्तंक से उस पुरुष ने कहा, उत्तंक इसी घोड़े पर चढ़ जाओ, यह तुम्हें क्षण भर में उपाध्याय के घर पहुंचा देगा। बहुत अच्छा कहकर उत्तंक उस घोड़े पर चढ़े और तुरंत उपाध्याय के घर आ पहुंचे। इधर गुरुपत्नी स्नान करके बैठी हुई अपने केश संवार रही थी। उत्तंक अब तक नहीं आया, यह सोचकर उन्होंने शिष्य को शाप देने का विचार कर लिया। इसी बीच में उत्तंक ने उपाध्याय के घर में प्रवेश करके गुरुपत्नी को प्रणाम किया और उन्हें वे दोनों कुंडल दे दिए। तब गुरुपत्नी ने उत्तंक से कहा, उत्तंक तू ठीक समय पर उचित स्थान में आ पहुंचा, वत्स तेरा स्वागत है। अच्छा हुआ जो बिना अपराध के ही तुझे शाप नहीं दिया, तेरा कल्याण उपस्थित है, तुझे सिद्धि प्राप्त हो। तदनंतर उत्तंक ने उपाध्याय के चरणों में प्रणाम किया। उपाध्याय ने उससे कहा, वत्स उत्तंक तुम्हारा स्वागत है, लौटने में देर क्यों लगाई। तब उत्तंक ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान नागराज तक्षक ने इस कार्य में विघ्न डाल दिया था, इसलिए मैं नागलोक में चला गया था। वहीं मैंने दो स्त्रियां देखी जो करघे पर सूत रखकर कपड़ा बुन रही थी। उस करघे में काले और सफेद रंग के सूत लगे थे, वह सब क्या था। वहीं मैंने एक चक्र भी देखा जिसमें 12 अरे थे, 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे थे, वह भी क्या था। वहां एक पुरुष भी मेरे देखने में आया था, वह कौन था। तथा एक बहुत बड़ा अश्व भी दिखाई दिया था, वह कौन था। इधर से जाते समय मार्ग में मैंने एक बैल देखा, उस पर एक पुरुष सवार था। उस पुरुष ने मुझसे आग्रह पूर्वक कहा, उत्तंक इस बैल का गोबर खा लो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया है। तब उस पुरुष के कहने से मैंने उस बैल का गोबर खा लिया। अतः वह बैल और पुरुष कौन थे, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, वह सब क्या था। उत्तंक के इस प्रकार पूछने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, वे जो दोनों स्त्रियां थी वे धाता और विधाता हैं। जो काले और सफेद तंतु थे वे रात और दिन है। 12 अरों से युक्त चक्र को जो 6 कुमार घुमा रहे थे वे 6 ऋतुएं हैं। 12 महीने ही 12 अरे हैं, संवत्सर ही वह चक्र है। जो पुरुष था वह परजन्य है, जो अश्व था वह अग्नि है। इधर से जाते समय मार्ग में तुमने जिस बैल को देखा था वह नागराज ऐरावत है, और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था वह इंद्र है। तुमने बैल के जिस गोबर को खाया है वह अमृत था, इसीलिए तुम नागलोक में जाकर भी मरे नहीं। वे भगवान इंद्र मेरे सखा है, तुम पर कृपा करके ही उन्होंने यह अनुग्रह किया है, यही कारण है कि तुम दोनों कुंडल लेकर फिर यहाँ लौट आए हो। अतः सौम्य अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ, तुम कल्याण के भागी होगे। उपाध्याय की आज्ञा पाकर उत्तंक तक्षक के प्रति कुपित हो उससे बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। हस्तिनापुर में शीघ्र पहुंचकर विप्रवर उत्तंक राजा जनमेजय से मिले। जनमेजय पहले तक्षिला गए थे, वे वहां जाकर पूर्ण विजय पा चुके थे। उत्तंक ने मंत्रियों से घिरे हुए उत्तम विजय से संपन्न राजा जनमेजय को देखकर पहले उन्हें न्याय पूर्वक जय संबंधी आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उचित समय पर उपयुक्त शब्दों से विभूषित वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहा। उत्तंक बोले, निरपश्रेष्ठ जहां तुम्हारे लिए करने योग्य दूसरा कार्य उपस्थित हो वहां अज्ञानवश तुम कोई और ही कार्य कर रहे हो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, विप्रवर उत्तंक के ऐसा कहने पर राजा जनमेजय ने उन द्विज श्रेष्ठ का विधिपूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा। जनमेजय बोले, ब्राह्मण मैं इन प्रजाओं की रक्षा द्वारा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ, बताइए आज मेरे करने योग्य कौन सा कार्य उपस्थित है जिसके कारण आप यहाँ पधारे हैं। उग्र श्रवाजी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ जनमेजय के इस प्रकार कहने पर पुण्यात्माओं में अग्रगण्य विप्रवर उत्तंक ने उन उदार हृदय वाले नरेश से कहा, महाराज वह कार्य मेरा नहीं आपका ही है, आप उसे अवश्य कीजिए। इतना कहकर उत्तंक फिर बोले, भूपाल शिरोमणि नागराज तक्षक ने आपके पिता की हत्या की है, अतः आप उस दुरात्मा सर्प से इसका बदला लीजिए। मैं समझता हूँ शत्रुनाशन कार्य की सिद्धि के लिए जो सर्प यज्ञ रूप कर्म शास्त्र में देखा गया है उसके अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ है।
अतः राजन, अपने महात्मा पिता की मृत्यु का बदला आप अवश्य लें। यद्यपि आपके पिता महाराज परीक्षित ने कोई अपराध नहीं किया था, तो भी उस दुष्टात्मा सर्प ने उन्हें डस लिया और वे वज्र के मारे हुए वृक्ष की भांति तुरंत ही गिरकर काल के गाल में चले गए। सर्पों में अधम तक्षक अपने बल के घमंड से उन्मत्त रहता है। उस पापी ने यह बड़ा भारी अनुचित कर्म किया जो आपके पिता को डस लिया। वे महाराज परीक्षित राज ऋषियों के वंश की रक्षा करने वाले और देवताओं के समान तेजस्वी थे। काश्यप नामक एक ब्राह्मण आपके पिता की रक्षा के लिए उनके पास आना चाहते थे, किंतु उस पापाचारी ने उन्हें लौटा दिया। अतः महाराज, आप सर्प यज्ञ का अनुष्ठान करके उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को होम दीजिए और जल्दी से जल्दी यह कार्य कर डालिए। ऐसा करके आप अपने पिता की मृत्यु का बदला चुका सकेंगे एवं मेरा भी अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। समूची पृथ्वी का पालन करने वाले नरेश, तक्षक बड़ा दुरात्मा है। पाप रहित महाराज, मैं गुरुजी के लिए एक कार्य करने जा रहा था जिसमें उस दुष्ट ने बहुत बड़ा विघ्न डाल दिया था। उग्र श्रवाजी कहते हैं, महर्षियों, यह समाचार सुनकर राजा जनमेजय तक्षक पर कुपित हो उठे। उत्तंक के वाक्य ने उनकी क्रोधाग्नि में घी का काम किया। जैसे घी की आहुति पड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वे क्रोध से अत्यंत कुपित हो गए। उस समय राजा जनमेजय ने अत्यंत दुखी होकर उत्तंक के निकट ही मंत्रियों से पिता के स्वर्ग गमन का समाचार पूछा। उत्तंक के मुख से जिस समय उन्होंने पिता के मरने की बात सुनी, उसी समय वे महाराज दुख और शोक में डूब गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व पूरा हुआ।